अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तान कार्स। कंपैरिजन 2021। मतलब इंडियन कार्स और पाकिस्तानी कार्स का कंपैरिजन है, वो भी 2021 का। इससे पहले भी हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो पे रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट है। और इंडियन कार्स भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर बनती भी हैं, तो फिर जाहिर सी यस बात है पाकिस्तान के अंदर तो कोई कंपनीज नहीं है जो कि कार्स खुद से बना रही हो। हाँ, यहाँ पर पार्ट्स आते हैं, जुड़ती हैं, लेकिन पूरी पूरी इंडस्ट्री नहीं है। जुगाड़ हो गए अभी, हाँ, जुगाड़। तो खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनका व्लॉगिंग चैनल है लारा का, और वो आप वो लोग, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल हाँ जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। हाँ वहाँ से और उसको भी व्लॉगिंग। मुझे सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, उसके सब्सक्राइब करना है इनके चैनल को, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स अभी नया नया बहुत कम स्टार्ट है। किया हाँ है तो यार, बहुत कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब लाजिम कर लेना। डेली व्लॉग्स होते हैं इनके, डेली। और जो गेमिंग चैनल है मेरा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको भी। लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते हैं। वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले इंडियन कार का पाकिस्तानी कार के साथ, और यहाँ पे ये 2021 के टॉप सेलिंग नंबर्स पे बेस्ड है माइक ये बहुत कंपैरिजन। थका और हुआ यहाँ पे यूज हम हुआ है, देखेंगे कि बाकी ठीक 2021 में जो होगा। पाकिस्तानी कार है वो कितना कॉम्पीट कर पा रही हैं इंडियन कार से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कंप्लीट सब्सक्राइब तो करके नहीं बेल कर आइकन पाएंगे, जरूर प्रेस लेकिन कर लें, ये डिफेंस, कि फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज देखने के। तो चलिए सीधे करते हैं कंपेरिजन स्टार्ट। तो पहले नंबर पर जो कार आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ पे कार सुजुकी बोलान नहीं है, है जो कि ऐसे दिखती है। और ये यहाँ पे ये इंडिया की जो ओमनी है उस ये डब्बा पाकिस्तान में हम लोग ने इसको कैरी डब्बा बोलते हैं, मतलब यस सामान को कैरी करने वाला, इंसानों को कैरी करने वाला डब्बा। और कैरी डब्बा इसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में ओल्ड बोला जाता वर्जन है, है। काफी ओल्ड वर्जन है। हमारी ओमनी काफी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे नंबर वन पे जो इंडेक्स कार है वो भी सुजुकी की तरफ से है, सुजुकी स्विफ्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 796 सीसी का पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा बोलान में, और यहाँ पे 1197 सीसी का पेट्रोल। और ये जो गाड़ी है ना सुजुकी स्विफ्ट, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है 2021 में, और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा उठाने वाले लोग पाकिस्तान डब्बा डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलेगा आपको सुजुकी के स्विफ्ट इंडियन वेरिएंट में। और यहाँ पे 4 स्पीड मैनुअल गियर मिनी बस टाइप पे आपको मिलेगी यहाँ पे बोलान, और जबकि 5 स्पीड यहाँ मिनी पे मैनुअल बस और ऑटोमेटिक दोनों गियर आपको मिल जाता है सुजुकी के स्विफ्ट में। और ऐसे ये एक ही। ये तो हैचबैक टाइप स्विफ्ट है गाड़ी है। और यहाँ पाकिस्तान पे में, ये लेकिन चौदह कम है। KMPL का एवरेज देती है पाकिस्तान की सुजुकी बोलान, और जबकि यहाँ पे 23 से 24 का एवरेज मिलता है आपको सुजुकी के स्विफ्ट में। और यहाँ बात करें प्राइस की, तो पाकिस्तानी 11 साढ़े 11 लाख रुपए की मिलती है आपको बोलान, जो कि 5.5 लाख रुपए इंडियन में पड़ेंगे। और यहाँ पे सुजुकी की ऐसे जो स्विफ्ट है वो यहाँ पे छः से साढ़े साढ़े पांच आठ लाख लाख इंडियन इंडियन बनते रुपीज़ में हैं आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं अब कंपैरिजन को ना। आगे, और देखते हैं नंबर दो पे जो कार आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ पे टोयोटा है टोयोटा की अल्टिस। कोरोला आर्टिस। और यहाँ पे ये प्रीमियम गाड़ी है पाकिस्तान की, काफ़ी बिकती है वहाँ पे। और नंबर दो पे जो गाड़ी है सुजुकी बलेनो है, वो इंडिया की तरफ से। यहाँ पे जो टोयोटा की कोरोला है वो काफ़ी, अच्छा, पाकिस्तान में बिलिनो जो है ना काफी बदनाम है। सही बताओ तो बिलिनो बहुत बदनाम मतलब टाइम क्या से बदनाम घूमती है। रहती है। नहीं, मतलब लोग लेते नहीं है बिलिनो को, नहीं हाँ यूज करते हैं यस, पाकिस्तान में। टोयोटा को पता नहीं क्यों प्रेफर किया स्पीड जाता पावरफुल है। इंजन के साथ आती है 1798 सीसी के साथ, जिसका यहाँ पे काफी ऑप्शन भी अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंजन के वेरिएंट ऐसे भी अवेलेबल है 1.6 और 1.8 लीटर के। और यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल का 1197 सीसी का इंजन आपको मिलेगा सुजुकी बलेनो में। और यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक गियर दोनों मिलेगा आपको दोनों ही गाड़ियों में। और यहाँ पे जो टोयोटा कोरोला आल्टिस है वो प्रीमियम सेडान टाइप की गाड़ी है, और यहाँ पे जो सुजुकी बलेनो है वो यहाँ पे हैचबैक की गाड़ी है। और यहाँ पे 16 से 23 का एवरेज आपको मिलेगा कोरोला आल्टिस में, और जो इंडियन बलेनो है वहाँ पे आपको 19 से लेके 23 KMPL का एवरेज देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 32 से 40 लाख की प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में कोरोला आर्टिस्ट की। और यहाँ पे 6 से 9 लाख में आपको मिलेगी बलेनो सुजुकी की हाँ, इंडिया। लेकिन अब जाहिर है गाड़ी देखते हैं तीसरे इंडिया, नंबर पे जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे कौन सी। कैरी तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है सुजुकी की ही आल्टो पाकिस्तान में, और यहाँ पे आल्टो सुजुकी की छोटी वेगनार है इंडिया में तीसरे वैगनार। नंबर पे। तो यहाँ पे छोटा सा 660 सीसी का ही इंजन लगा है पेट्रोल का सुजुकी की आल्टो में। और यहाँ पे ये काफी ओल्ड मॉडल दिखी है, अभी मैं आपको इंडिया की आल्टो यस, दिखाऊंगा, देखेंगे आप वहाँ इजी पे है कितना अपडेट हो लेकिन चुका, बहुत पाकिस्तान में कंफर्टेबल कितना है। पुराना है। यहाँ अच्छी पे वेरियंट अभी भी सुजुकी वाले लॉन्च कर रहे हैं इसको, मेहरान का यहाँ पे रिप्लेसमेंट के नाम पे इसको पाकिस्तान में खूब बेच रहे हैं सुजुकी वाले। और यहाँ पे क्यों छः नौ बेचती सौ पे है अट्ठानबे भाई।
वैसे ये बात सही की है कि मेहरान के नाम पे ना हमें ऐसा ही अजीब सा एक डब्बा बना के दे लेकिन दिया गया मेहरान है। से बेटर है ये, मेहरान से दिखने में भी बहुत बेटर और है। इजी भी हाँ, है बैठने में सीसी का भी। पेट्रोल इंजन मिलता है आपको वैगनॉर में, और जबकि 1197 का सीएनजी इंजन मिलेगा आपको सुजुकी की वैगनॉर में। और यहाँ दोनों ही गाड़ी अच्छा फाइव वैगनॉर स्पीड में उधर ऑटोमेटिक और सीएनजी पहले मैनुअल से में दे है, रहे हैं। और दोनों ही गाड़ी हैचबैक टाइप में है। और यहाँ पे जो सुजुकी की अल्टो है पाकिस्तान की, वहाँ पे आपको 18 से 20 का KMPL देखने को मिलेगा एवरेज, और जबकि 20 का आपको मिलेगा यहाँ पे सुजुकी के वैगनार पेट्रोल वर्जन में आपको एवरेज, और जबकि 32 का एवरेज मिल वाह जाएगा आपको सीएनजी वाली वेरिएंट हैवी में, है सुजुकी के ही वैगनार वैगनार में। पाकिस्तान में ही और बहुत यहाँ पे जो चला प्राइस है है। वो काफ़ी ओवर प्राइस अभी भी रख रहे हैं सुजुकी वाले पाकिस्तान में, तो यहाँ लगभग 12 से 16.5 लाख तक जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ में सुजुकी डब्बा ऐसी गाड़ी है आल्टो जिसको कहा गया है। और यहाँ पे प्राइस है सुजुकी वैगनार इंडिया में वो काफी यहाँ पे लो है, यहाँ पे लगभग 5 से 6 लाख इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगी सुजुकी की चलो वैगनार, तो फुल्ली वर्थ है यहाँ पे इंडियन गाड़ी, और यहाँ पे पाकिस्तानी डब्बा अभी भी वही चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की गाड़ी पे, और देखते हैं चौथे नंबर पे कौन सी गाड़ी बार सेलेक्ट बार करते हैं यहाँ पे। डब्बा ये रही बार बार इंडियन डब्बा आल्टो, डब्बा कह इंडियन आल्टो के सुजुकी की। यहाँ पे काफी अपडेट आपको देखने खुद ही दिख रहा हो, यहाँ पे जो आगे के रिम वगैरह वो कितने अपडेटेड है, यहाँ पे जो लाइट्स है वो भी थोड़ी अपडेट है, और जो पाकिस्तान से आप सुजुकी कंपेयर की करेंगे तो वजह काफी आपको से यहाँ पे देखने को मिलेगा अपग्रेड। और जबकि पाकिस्तान में वही मेहरान का डब्बा अभी भी उसको सुजुकी के नाम से अल्टो के नाम से बेच रहे हैं। और यहाँ पे चौथे नंबर पे पाकिस्तान की गाड़ी है वो यहाँ पे सुजुकी की ही कल्टस है, जो कि यहाँ पे इंडिया में एक बार लॉन्च हुई थी सेलेरियो के नाम से, जो कि ज्यादा चली नहीं थी इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान चल गई है। और यहाँ पे ये चौथे नंबर पे टॉप सेलिंग कार है पाकिस्तान में, जिसका इंजन यहाँ पे 998 cc का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और 796 का पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको इंडियन आल्टो में। और यहाँ पे इंडियन आल्टो में एसी और यहाँ पे एयरबैग्स भी आपको मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी आल्टो में ओवर प्राइस होने के बाद भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल बातें ऑटोमेटिक मिलेगा आपको सुजुकी की कल्टस में, और यहाँ पे फाइव सीधी स्पीड सीधी सिर्फ कर रहे हैं मैनुअल सही मिलेगा सही। आपको इंडियन आल्टो में। इतनी और नफरत दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ पे हैचबैक नहीं, नफरत नहीं है, मतलब जो रियलिटी है ना असल में वो दिखा रहे हैं और हमें लग रहा है नफरत है, लेकिन जो रियलिटी है वो मानने वाली है। जो जो बातें हाँ सही कर रहा है वो सही सही है, बोल रहे हैं सही बोल बिल्कुल। और रहे यहाँ पे हैं। बात करें एवरेज की, तो 18 से 22 का एवरेज आपको मिलेगा सुजुकी कल्टस पाकिस्तान में, और 20 का एवरेज और 32 का सीएनजी में आपको एवरेज मिल जाएगा सुजुकी की अल्टो इंडिया में। तो देख लीजिए, आप कंपेयर कर सकते हैं सुजुकी अल्टो पाकिस्तान और इंडिया की, और देख सकते हैं यहाँ पे मोनोपोली जो है सुजुकी टोयोटा और होंडा की अभी भी बरकरार है पाकिस्तान पूरी में, और स्क्रीन पे पाकिस्तानी गंद डाल गवर्नमेंट दिया हाथ पे हाथ रखे है। बैठी हुई है। और वो वहाँ पे जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कम करना चाहिए था जो पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें, लेकिन वो उसमें और भी टैक्स ऐड करते जा रहे हैं। चलिए हमको क्या है, हम बढ़ते अपने कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हैं। हमको क्या और यहाँ पे है जो प्राइस रखी गई है सुजुकी कल्टस कहाँ की, पर वो गुस्सा यहाँ कर पे रहे रखी गई है 17 लगभग 18 लाख से 21 लाख पाकिस्तानी रुपीज, जो कि यहाँ पे इंडियन पड़ेगी 8.5 से लगभग आपको 10 लाख की। और जब लेकिन यहाँ पे ये इंडियन लॉन्च हुई थी तो सिर्फ 3 लाख इंडियन रुपीज में लॉन्च हुई थी पाकिस्तानी सुजुकी कल्टस सेलेरियो के नाम से इंडिया में, लेकिन वो चल नहीं पाई थी। मैंने आप यार कंपैरिजन भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह गंद बहुत पूरी की डाल रहे हैं स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन पे गंद डाल को दी बता ही है। दिया। और अब जो आप देखें प्राइस देखें सुजुकी अल्टो का इंडिया में, वो सिर्फ यहाँ पे रखा गया है 3 से 5 लाख का, और जबकि आप यहाँ पे अगर पीछे जाएं और देखें जो सुजुकी थैंक यू अल्टो है सो पाकिस्तान मच के, वहाँ पे उसका चेंज प्राइस करने के कितना लिए। रखा गया, 12 से 13 16 लाख का, जो कि यहाँ पे 5,70,000 इंडियन रुपीज बनते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में सुजुकी अल्टो प्राइस है वो काफी कम रखी गई है, 3 से 5 लाख के टॉप मॉडल जो कि सीएनजी रहेगी वो भी आपको मिल जाएगी, और 32 का हाँ एवरेज फिर आपको जाना देगी। है तो मैंने बता दिया कि मोनोपोली अभी इंडिया भी में, जा रही कार है इन सस्ती कार है क्योंकि वहां कंपनीज पे के बनती है पाकिस्तान में। तो ना, चलिए वहां पे करते हैं उनकी अपने इनकम कंपैरिजन इतनी को होती आगे, है ना, देखते हैं इनकम बहुत लास्ट का ज्यादा फॉर है कंट्रीज की तरफ से, जहाँ पे होंडा सिटी जी आई है ऐसा नंबर उनकी पांच बहुत पे, ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ह्यूंडई की क्रेटा आपको देखने को मिलेगी इंडिया में नंबर पांच पे। और आप कहेंगे कि एक ही कार है जो यहाँ पे नंबर पांच पे आई है और अलग है सुजुकी के अलावा, तो क्या इंडिया में भी मोनोपोली चल रही है सुजुकी की? तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो इंडिया में मिडिल क्लास है वो सुजुकी की गाड़ियां पसंद करते हैं, जो अफोर्डेबल होती है और अच्छी चलती है। और जब आप यहाँ पे टॉप 10 से बाहर निकलेंगे तो आपको इंडिया में काफी अलग अलग टाइप की गाड़ियां देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ऐसी टाटा है। स्कॉर्पियो महिंद्रा सारी गाड़ी मिलेंगी, लेकिन जो अभी भी मिडिल क्लास तबका है इंडिया का वो अभी भी सुजुकी की अफोर्डेबल गाड़ी को ही पसंद करता है, लेकिन आपको मोनोपोली जैसा यहाँ पे सब इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा इंडिया वाले के लिए। और यहाँ पे जो होंडा सिटी है पाकिस्तान की वो अभी भी ओल्ड फैशन है, यहाँ पे एलईडी वगैरह हमारे यहाँ आ गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यही ओल्ड फैशन चल रहा है। बट आप आई ये लाइक मान लें होंडा कि यहाँ पे सिटी, जो इंडिया होंडा में 5 साल सिविक और पुरानी सिटी वेरियंट दोनों चल रही थी अच्छी वो हैं। पाकिस्तान में चलेगी, ये तो पक्का है। और यहाँ पे लगभग 1500 cc का 1.3 और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा पाकिस्तानी होंडा सिटी में, और जबकि यहाँ पे 1350 और यहाँ पे 1500 cc का पेट्रोल और डीजल डीजल दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा हुंडई की क्रेटा में। और यहाँ पे ये एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी मानी जाती है, जो कि मिडिल क्लास की फेवरेट प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है इंडिया में। और यहाँ पे आपको देखने को गन मिलेगा ज्यादा फाइव डालना स्पीड और शुरू कर मैनुअल दिए ऑटोमेटिक गियर यार। दोनों ही गाड़ी में, जबकि यहाँ पे
जो होंडा सिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, एक सेडान टाइप की गाड़ी, और यहाँ पे नंबर 5 पे होंडा क्रेटा है वो एक हैचबैक गाड़ी है। और यहाँ पे 12 से 14 का एवरेज आपको देगी होंडा सिटी, और 17 से 21 का आपको एवरेज देगी यहाँ पे होंडा की क्रेटा इंडिया में। और प्राइस की बात करें तो 25 24.5 से लगभग आप कह सकते हैं 28.5 का प्राइस रखा गया है, जो कि यहाँ पे 11.5 से लेकर लगभग 13.5 तक का प्राइस रहता है इंडिया में। ये ओवर प्राइस नहीं लगी मुझे, लेकिन यहाँ पे जो फीचर होंगे हो सकता है ये काफी ओल्ड यूज किए गए हों, और यहाँ जो प्राइस रखा गया है होंडा क्रेटा इंडिया में वो यहाँ पे 10 लाख ओल्ड तो नहीं है, होंडा अपग्रेड तो बस यही थी यहाँ पे गाड़ियाँ जो कि टॉप 5 सेलिंग है इंडिया और पाकिस्तान में। तो मैं गाड़ियों का क्या कसूर है, तो हमें कमेंट में बताएं आपकी गाड़ियाँ कौन सी कंट्रीज की सबसे ज्यादा पसंद लगी। तो बस वीडियो को करते हैं एंड, और यहाँ पे नहीं गाड़ियाँ सही भी तो ना, तो जो इंडियंस को मिलती हैं असल में, इसमें मुझे ऐसा लगा था जो महिंद्रा और स्कॉर्पियो और इस तरह की जो कंपनीज हैं उनकी गाड़ियों की भी बात होगी बीच में, मुझे नहीं पता था। लेकिन कंपैरिजन की जहाँ बात है ना, तो ये सेलिंग से ज़्यादा कंपैरिजन किया गया कि कौन कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया में सस्ती है गाड़ियाँ, वहाँ पर टैक्सीज कम है, तो इस वजह से करके ना वहाँ पे गाड़ी इजीली मिल जाती है और अफोर्डेबल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियों पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा है। और गाड़ियाँ जिस तरह सुजुकी इतना अपग्रेड नहीं कर रही है खुद को जितना करना चाहिए उसको, लेकिन बाकी जो टोयोटा और होंडाई वगैरह है वो सारी सेम उसी तरीके से आ रही हैं जिस तरीके से आ रही थी इसमें। तो खैर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताने, और इनके चैनल का लिंक और मेरा गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं हमें तो वो इंस्टाग्राम्स पे कर सकते हैं, उसके भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।